हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो मैं आपको एक लोकेशन के बारे में दिखा रही हूँ। एंड दिस लोकेशन इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी, इसकी जो ब्रेकफास्ट है, मैं कहाँ आई हूँ, क्या करने आई हूँ, मैं आपके साथ सब कुछ वन बाय वन शेयर करूँगी। और ये देखिए, मैं जब यहाँ पे आई तो इतना ब्यूटीफुल लोकेशन था कि मैं रील्स और सेल्फी अपना लिए बिना रह ही नहीं पाई। तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, बट मैंने सोचा कि सबसे पहले वीडियो क्रिएट करती हूँ और अच्छा सा लुक एंड फील इस जगह का आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं अभी आपको बिना टाइम वेस्ट किए इस जगह के बारे में डिटेल देने वाली हूँ। अगर आप कभी भी NJP से या बागडोगरा से या फिर अगर आप मान लीजिए बस से न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की तरफ जाते हो या गैंगटॉक की तरफ जाते हो और आपने सेवक रोड वाला रास्ता लिया है, उसको होते हुए आप आते हो रोहिणी की तरफ। और रोहिणी ये जो जगह है जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे ब्रेकफास्ट अगर आप कर पाओ तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये कर्शियांग के रूट पर ही आता है और इस जगह का नाम है संता बंता ढाबा। इसके पहले जो संता बंता मैंने आपको दिखाया था वो सेवक रोड वाला था और ये दूसरा है, कर्शियांग और रोहिणी वाला संता बंता ढाबा वाला ब्रांच है। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी जो आपको इस जगह पे आने के लिए ज़रूरत है और आप कैसे आ सकते हो। मुझे लगी थी बहुत ज़ोर भूख, बट मैं जब इस होटल रेस्टोरेंट में एंटर की तो मैं इतना ज़्यादा वीडियो बनाने में इंग्रॉस्ड हो गई कि मुझे लगा कि मुझे हर एक चीज़ इस जगह की कैप्चर करनी है। क्योंकि ये जगह अपने आप में, ये देखिए कितनी सुंदर, एक लैम्प है उसके अंदर लाइट लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, तो इतना सुंदर इसका डेकोरेशन, एक काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी फील और लुक दे रहा है ये। मतलब ज़्यादा कुछ आपको मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत फैंसी डेकोरेशन है, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है, अलग अलग जगह है बाहर बैठने के लिए भी। और ये इनका बोर्ड लगा हुआ है कि उस आज के दिन इनका क्या, टुडे स्पेशल में क्या क्या ऑप्शंस है, तो ये सारा कुछ अवेलेबल है। और प्लस यहाँ पे आप देखिए चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी और ये ग्रीनरी इस जगह की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाती है। और मतलब मैं जब इस सब जगह पे जब जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा जगह अपने व्यूअर को दिखाऊँ, जो मेरे फॉलोअर्स हैं या मेरे चैनल को देखते हैं उनको ऐसा जगह दिखाऊँ जो उनके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करे और जिन जिस जगह को देखने के बाद उनको खुद मन करे कि हाँ आना है। और अब देखिए संता बंता के ठीक ऑपोजिट में आपको हिल दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, तो इस तरीके का। और काफ़ी अच्छा खासा ठंड भी था उस लोकेशन पर। रोहिणी में आपको ये जगह मिलेगा, आप गूगल मैप में देख सकते हैं, संता बंता ढाबा रोहिणी। एक संता बंता का मैंने वीडियो बनाया था जो कि सेवक रोड के पहले NJP में था, और ये जो है ये रोहिणी में है। मतलब काफ़ी सारे ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे संता बंता के, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। अब मैं आपको दिखाती हूँ संता बंता ढाबा का सिलीगुड़ी, रोहिणी, दार्जिलिंग और एक मतलब सारे जितने जगह हैं मैंने आपको दिखा दिया, 3 से 4 आउटलेट्स है। और ये देखिए इनका मेन्यू कार्ड भी कितना, ये जो पंजाब के कल्चर है और जो दार्जिलिंग का कल्चर है उसको मिक्स करके इन लोगों का मेन्यू कार्ड डिज़ाइन किया गया है। और देखिए यहाँ पे टी, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट बेवरेज, फिर आपको डिनर के लिए, लंच के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप अलग अलग वैरायटी, हर तरह का चीज़ आप इसमें ले सकते हो। और ट्रस्ट मी गाइज, मैं अभी आपको अपना खाना जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था वो आपको दिखाऊंगी। खाना का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ऑसम। और ये देखिए, ये मैंने ऑर्डर किया था फ्रेंच टोस्ट, एंड मैंने इससे अच्छा फ्रेंच टोस्ट शायद अपने लाइफ में कभी नहीं खाया जो मुझे ये मिला। एंड शोमिल ने ऑर्डर किया था चिकन ग्रिल्ड सैंडविच विथ कॉफ़ी, और जिस तरीके का फ्रेंच टोस्ट मैंने खाया ना, इसको खाने के बाद तो मुझे और भी कुछ खाने का मतलब लग रहा था, दिस इज़ हेवनली, मतलब इतना टेस्टी। और ये देखिए शोमिल ने कुछ एग्स लिए हैं, मैंने एक कॉफ़ी लिया, शोमिल ने एक कॉफ़ी लिया, और हम लोग अभी ये देखिए सैंडविच। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको देखिए कितना अच्छा इसका क्वान्टिटी है। और हमें क्योंकि भूख लगी थी तो मैं तो आराम से फ्रेंच टोस्ट खा रही थी, मतलब मुझे सैंडविच खाने का ही मन नहीं किया क्योंकि मेरा जितना भी भूख था, सारा कुछ था, वो मेरा फ्रेंच टोस्ट से ही मिल गया, बिकॉज़ इट वाज सो गुड। और मेरे को फिर अपना टेस्ट नहीं ख़राब करना था मुंह का कुछ और खा के, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते करते अपना फ्रेंच टोस्ट खा रही थी। एंड अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंच टोस्ट ज़रूर ट्राई करिए, इट्स वन ऑफ़ द बेस्ट। मतलब ब्रेकफास्ट के लिए ये देखिए बेस्ट है। और यहाँ की जो कॉफ़ी है उसकी भी क्वान्टिटी काफ़ी अच्छी है, प्राइसिंग भी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब सस्ता भी नहीं है, मतलब मिडिल में है।
तो आप ज़रूर यहाँ पे आके खाइए पीए। और देखिए सबसे अच्छा एक वॉल इन्होंने बनाया था वुमेंस के लिए, सल्यूट द ब्रेव वुमेन, तो इस तरीके का इन्होंने एक वॉल बनाया है, मतलब जो इंडियन ब्रेव वुमेन है हमारी उस उनके लिए वो वॉल उन्होंने क्रिएट किया है। अभी हम लोग इसके ऊपर में भी और एक लोकेशन है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे और ग्राउंड फ्लोर में एक गार्डन वाला एक आउटलेट है जहाँ पे आप बाहर पे भी बैठ के हवा का मज़ा लेते हुए आप खाना खा सकते हो। और ये जो जगह है ये देखिए, यहाँ गाड़ी आती जाती आपको दिखाई देगी, पहाड़ भी दिखाई देंगे, मतलब बहुत ही प्यारा जगह है। यहाँ पे आप आराम से बैठ के एक डेढ़ घंटा बिता सकते हो, बट क्योंकि हमें दार्जिलिंग पहुँचना था फिर भी हम आई थिंक यहाँ पे 45 मिनट से ज़्यादा ही थे, यूजली इतने देर नहीं रुकना हो, मतलब पॉसिबल हो पाता है, बट हमने ड्राइवर जी जो हमारे थे उनको कह दिया था कि हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जगह तो हम थोड़ा और टाइम स्पेंड यहाँ पे करना चाहते हैं। अब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ और ऊपर की तरफ लेफ्ट जाने के बाद आपको इसका संता बंता का फर्स्ट फ्लोर जो है वो भी आपको दिखाऊँगी। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा सारा हो गया था सब कुछ, अभी हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर की भी बात मतलब बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारा अगर आपसे मैं कहूँ कि किस तरीके का लोकेशन है, बहुत ही सुंदर लोकेशन है, वेल मेंटेन्ड है, नीट एंड क्लीन है। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, फ्रेंड्स फैमिली किसी के साथ भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी आ सकता है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आपको ये फीलिंग आएगा जो इन्होंने अपना डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो पहाड़ी कल्चर के साथ साथ इनका जो एम्बियंस है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट है, बिकॉज इन्होंने एक रेड कलर काफ़ी यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छी वाइब्स और एनर्जी आपको ये मतलब ये जगह जो है संता बंता ढाबा वहाँ से आपको मिलेगी। और अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना चाहती हूँ, देखिए बाहर में भी सिटिंग एरिया है बालकनी साइड में, और यहाँ पे आप जब बैठोगे तो आप सोचो आपको स्ट्रेट माउंटेन दिख रहा है विदाउट एनी बैरियर, तो जिसको जैसे बैठना है वो वैसे बैठ सकता है, बट यहाँ पे टू सीट्स का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। इस जगह पे कोई भी ऐसा आपको फीलिंग नहीं आएगा कि आप यहाँ पे बोर हो रहे हो, यहाँ पे क्या है नहीं है, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ आओगे शायद आधे घंटे के लिए आओगे, बट एक डेढ़ घंटे से पहले निकल नहीं पाओगे, बिकॉज ये नहीं है कि इनकी सर्विस लेट है, ऐसा है कि आपका मन यहाँ पे इतना लग जाएगा कि आपको निकलने का मन नहीं करेगा। और ये देखिए मैं, मुझे यहाँ इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताऊँ, थोड़ा रील्स बनाऊँ, फ़ोटो खींचूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही थी और साथ ही साथ अच्छे से वीडियो भी बना रही थी ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ शेयर कर सकूँ। तो गाइज़ आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप संता बंता ढाबा रोहिणी में आए हो या नहीं, और अगर आए हो तो कौन से वाले आउटलेट में आए हो, और अगर नहीं आए हो तो कब जरूर आपका प्लान बन रहा है, कब आप मतलब कभी भी अगर टाइम में लेना तो एटलीस्ट एक बार इस लोकेशन पे ज़रूर आना, बिकॉज इसकी वाइब आपको मतलब काफ़ी पॉजिटिव कर देगी आपके माइंड को। तो यही मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अगर टाइम मिले तो प्लीज़ कम योर विथ योर किड्स फ्रेंड्स फैमिली एंड एवरीवन। सो गाइस चलते हैं एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ मेरी दार्जिलिंग सीरीज़ और बाकी जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसे थोड़ा देखा करी, एंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक